अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सारे ठीक हैं? उम्मीद करती हूँ अपने घर में खुशबाश भी होंगे और सेहतमंद भी। ये देखें, मैं आपके लिए कितना प्यारा एक पैटर्न लेके आई हूँ ओपन वर्क का। और ये देखें, सामने से ऐसा दिखता है और बैक साइड से ऐसा। आप इसको शॉल में बनाएं, आप इसको लेडीज़ कार्डिगन में बनाएं, बेबीज़ कार्डिगन, गर्ल बेबी गर्ल कार्डिगन में भी बहुत खूबसूरत लगेगा। स्टोल्स में बनाएं तो स्कार्फ में बनाएं। तो ये मैंने क्या है, ये 11 प्लस 11 प्लस 11 जितने मर्ज़ी फंदे डालने, प्लस 3 एक्स्ट्रा स्टिचेस डालने और 2 आपके एच स्टिचेज होंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो 4 रोज़ में बन के तैयार हो जाता है। देखें कितना प्रिटी है, ठीक है। तो इसको बनाते हैं फिर, राइट। अच्छा, मैंने ये देखें 27 फंदे डाले हैं और एक मैंने स्टॉपनी स्टिच कि मैंने सामने सीधी और फिर उल्टी सिलाई करके मैंने आ गई, तो हमें ये ऐसे मिल गया है पैटर्न सा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम स्लिप करेंगे और 3 सीधे, 1 2 और 3 सीधे। उसके बाद आपने यार्न वर्क करना है और ये जो आपको फंदे 4 नज़र आ रहे हैं ना, इनमें से आपने क्या करना है कि 2 ये जो है ना, इनको आपने पीछे से ऐसे ऐसे लेना है, ठीक है। ये देखें ऐसे ले लिया, उसके बाद फिर आपने इनको पकड़ लिया, तो ये जो है इनको आपने इस साइड से ऐसे लेके आपने ये क्रॉस करना है, ठीक है। अब ये 2 जो है ना, इनको आपने बुन लेना है, ऐसे सीधा बुन लेना है। और ये जो 2 है ना, इनको आपने ऐसे सामने से 2 का एक करना है, ठीक है। ऐसे ये हो गया। उसके बाद फिर अब ये जो 4 हैं, इनको भी आपने ऐसे करना है। अब ये जो 2 हैं, इन्हें आपने सामने ऐसे सामने से पकड़ लेना है ऐसे, और इनको छोड़ देना है। ये जो हैं, इनको छोड़ के फिर आपने इनको दोबारा ऐसे ले लेना है। ये देखें ऐसे। अब इसको पहले जो है वो हम ये 2 का एक करेंगे इनको, ठीक है, ऐसे करके। तो ऐसे 2 का एक करेंगे, ये ऐसे 2 का एक छोड़ दिया इसको। अब ये जो पीछे हैं, इनको आपने लादा लादा बुनना है, ठीक है। दोनों को सीधा बुन लिया, ठीक है। ऐसे ये देखें, ये जो है ऐसे भी सी बन गई उल्टी हुई। अब आपने दोबारा जो है वो करना है यार्न वर्क और 3 सीधे बनाने हैं, 1 2 और 3। फिर यार्न वर्क करना है आपने। अब ये फिर 4 जो हैं, इनको आप ऐसे क्रॉस करना है, ठीक है। तो ये पीछे ये जो 2 आगे वाले हैं, इनको आपने पीछे से ऐसे पकड़ लेना है और आगे इनको रिलीज़ करके ऐसे लेफ्ट नीडल पे ले लेना है। अब ये जो पीछे वाले हैं, इनको हम पहले बनाएंगे सीधा, 1 और 2, ठीक है। और इन दोनों को सामने से 2 का एक करेंगे, ठीक है। अब ये 4 हैं, इनका भी हमने ये इसी तरह करना है। इनको हम पहले लेके आएंगे सामने ऐसे, और इनको रिलीज़ करेंगे पीछे से, और इनको फिर ऐसे क्रॉस करेंगे। अब ये जो सामने जो हैं, इनको हम पहले 2 का एक करेंगे ऐसे, ठीक है। ये देखें ऐसे 2 का एक कर लिए, छोड़ दिया इनको। अब ये पीछे जो हैं, इनको आपने दोनों को सीधा बना लेना है, ठीक है। फिर यार्न वर्क करना है और 3 सीधे बनाने हैं, 1 2 3, और एच स्टिच को उल्टा बना लें, ठीक है। ये हमारी पहली रो थी, ठीक है। अब आपने सेकेंड रो है हमारी, और हम रॉन्ग साइड पे हैं। पहला आपने स्लिप कर लिया है और 3 उल्टे बनाने हैं, पूरी रो आपने उल्टी बनानी है, ठीक है।
पूरी रो आपने उल्टी बनानी है। पूरी रो हमने उल्टी बना ली। अब हम सीधी तरफ आएंगे, ये देखें, ठीक है। हमारी राइट साइड है और हमारी थर्ड रो है, इसको हमने पूरा सीधा बनाना है। इसको पहले ऐसे उतार लिया और पूरा सीधा बनाए इसको, ठीक है। पूरी नेट करनी है आपने। पूरी नेट करें, ठीक है। हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई है। अब हमारी हम रॉन्ग साइड पे हमारी फोर्थ रो है। सारी आपने पर्ल करनी है, सारी उल्टी बनानी है, ठीक है। पहला स्लिप किया और सारी उल्टी बनाए। सारी उल्टी बना के मैं आपको दिखाती हूँ। सारी देखें उल्टी रो बना ली है। अब हम सीधी तरफ हैं, हमारी फिफ्थ रो है, ठीक है। पहले को स्लिप करेंगे और तीन सीधे, एक दो तीन, यार्न ओवर। और ये जो चार हैं आपने इनको जो है वो करना है पीछे से। ये दो जो हैं इनको, इन दोनों को आपने पीछे से ऐसे पकड़ लेना है और आगे रिलीज़, आगे दो जो हैं इनको रिलीज़ करके ऐसे क्रॉस कर लें और इनको पीछे वालों को आप सीधा बुन लें, एक और दो, ठीक है। और ये सामने वाले जो हैं इनको आपने दो का एक करना है ऐसे, ये देखें, ठीक है। अब आपने ये फिर चार हैं इनको आपने इसी तरह करना है। ये जो दो आखिर वाले हैं इनको सामने लेके आने और जो दो हैं उनको पीछे वाले उनको आपने पीछे ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। अब ये जो हैं जो हम सामने लेके आए इनका दो का ही करेंगे, और ये पीछे वाले जो हैं इनको दोनों को सीधा बनाएंगे, ठीक है। ये देखें, अब आपने फिर यार्न ओवर करना है और तीन सीधे बनाने हैं, एक दो और तीन। फिर यार्न ओवर करना है आपने और इन चार का आपने क्रॉस करना है, ठीक है। ऐसे दो को पकड़ लिया और दो आगे वाले उनका रिलीज कर लिया ऐसे। जो पीछे वाले हैं उनको आपने नेट करना है दोनों को। पहला नेट किया और दूसरा नेट किया, और ये सामने वाले जो हमने इधर लेके आए थे उनको आपने दो का एक करना है, ठीक है। अब ये चार हैं इनको भी हमने ऐसे ही करना है कि इनको हम आगे लेके आएंगे कि जो आखिर वाले सामने से, और उसको हम पीछे लेके जाएंगे दो जो हैं ये। और ये जो हम आगे लेके आए हैं इनको हमने दो का एक करना है सीधा बुनते हुए बैक लूप से ऐसे, और इनको नेट करना है जो पीछे लेके गए थे, और यार्न ओवर, और फिर उसके बाद आपने तीन सीधे बनाने हैं, ठीक है। और आखिरी जो है वो उल्टा बना लें। और फिफ्थ रो थी हमारी, सिक्स्थ रो है, वो सारी हमने उल्टी बनानी है। पहला स्लिप और सारी आपने इसको
पर्ल करना है। यार्न ओवर भी पर्ल करने हैं। तो पूरी पर्ल करके मैं आपको यहाँ तक दिखाती हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए हमारा जो है ये मुकम्मल हो गया है पैटर्न, देखिए कितना खूबसूरत बना है। तो इसी तरह बनाते जाएँ आप इसके बाद दोबारा सीधी एक रो करेंगे, फिर उल्टी रो करेंगे, उसके बाद फिर जब सीधी तरफ आएंगे तो फिर आपने रो वन से स्टार्ट करना है, उसके बाद फिर रो टू, उसके बाद फिर आपने जो है वो दो सीधी से चार रोज़ का डिज़ाइन है। ये देखें इतना खूबसूरत सा बनकर तैयार हो रहा है, ये देखें सिंपल है बिल्कुल, कोई इतना इसमें झंझट नहीं है, आराम से बन जाने वाला है ये, ठीक है। बनाइए, अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे दुआ में शामिल रखिए। अल्लाह हाफिज़।